अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को PPHA के जॉब्स के मुताबिक बताने जा रहा हूँ। जिन्हों का मैंने एडवर्टाइजमेंट तो मैंने बना दी और मैंने ये शेयर भी कर दी, लेकिन इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लिख लेना है PPHA जॉब रजिस्ट्रेशन। क्लिक कर लेने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, जॉब्स PPHA सिंध और ये लॉगिन, आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ से ये आपको कह रहा है कि आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना और साथ यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना। लेकिन आपने अगर चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं की तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये आपको नीचे करंट वैकेंसीज का नाम दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर लेना है, करंट वैकेंसीज। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ सीटें दिखा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है 31 मई 2022, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी कि सारे के सारे आपको पोस्टें बता रहा है। तो इन्हों का आपने साइड कर लेना, ये आप देख सकते हैं अप्लाई होना। यहाँ पे आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर लें, तो मैंने कर लिया। कहेगा आर यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो हमने तब रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नो कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अभी अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने अपना फर्स्ट नेम देना, लास्ट नेम यानी आधा नाम। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अगर था मोहम्मद खान, तो मोहम्मद यहाँ पे लिखे फर्स्ट नेम और खान नीचे कर लें। आपने अपना पासवर्ड देना है, पासवर्ड फिर कंफर्म पासवर्ड देना है जो कि आपकी ईमेल एड्रेस का होगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना है, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड ये देना है। नीचे सेल नंबर भी देना है विदाउट डैशेस, ये आपको बताया रहा है। और यहाँ पे एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिक्योरिटी क्वेश्चन में मुख्तलिफ चीज़ आपको बता रहा है। तो मैं यहाँ से ये चूज़ कर लेता हूँ, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपको अच्छा लगे तो फिर आपने इसका फिर जवाब भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर है, तो आप लिख सकते हैं जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप यहाँ पे कर लेना, और फिर साथ आपने ये सबमिट कर देना है। ठीक है, तो मैं भी ये डेटा फिल करके आगे फिर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। ये तो दोस्तों आपने सबमिट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है और ये एल्बम, ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए इन्हों के। जैसा आपने अपना नाम वगैरह फिल कर लेंगे तो आपके सामने एन एक्टिवेशन ईमेल इज सेंड ऑन योर ईमेल एड्रेस। तो जैसे आप ये अपनी ईमेल एड्रेस पे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक SMS आया हुआ होगा, ठीक है, PPHA की तरफ से देख सकते हैं, थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर PPHA सिंध जॉब्स पोर्टल। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंफर्म आप ईमेल एड्रेस करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। तो अभी आप देखेंगे आपके सामने एक और आएगा जवाब, PPHA सिंधु और ऑर्गेनाइजेशन सेज योर ईमेल एड्रेस हैज़ बिन ऑलरेडी वेरीफाइड, काइंडली लॉग इन एंड अप्लाई कर लेना आपने यहाँ पे। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये तो दोस्तों लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं जिस पोस्ट पर लगा आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ से उठा लेनी है। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिस्ट, फीमेल मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियर, बायोमेडिकल, रीजनल इंजीनियर, सिविल, अगर जो कह रहे हैं तो मैं ये उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अप्लाई नाउ, और ये अभी आपसे डेटा वगैरह मांगेगा, CNIC, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल। ठीक है, चॉइस ऑफ प्लेसमेंट ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे आप अभी अपनी पोजीशन के लिए करना चाहते हैं अप्लाई तो वो आप देख सकते हैं, पहली भी देख देनी और दूसरी भी देनी है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आपने बताना है, मोहल्ला, स्टेट नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, यूनियन काउंसिल, परमानेंट एड्रेस फिर आपने यहाँ पे देना है, मोहल्ला, सिटी, डिस्ट्रिक्ट,
ये आपने देखना नहीं, फिर एजुकेशन का मतलब यहाँ पे अपना अपना डेटा वगैरह देना है, ये सारा का सारा देख के। अगर आप मज़ीद एजुकेशन की डिग्रीज ऐड करना चाहते हैं तो ये आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक कर लेना है और आप मज़ीद अपनी एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, जो आप डेटा एंटर करेंगे वो यहाँ पे आपके सामने नज़र आता जाएगा, यहाँ पे ऐड होता जाएगा। फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के मुतालिक कहा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं सैलरी कितनी है ये वगैरह वगैरह, ये आपने सब कुछ बताना है। और फिर आपने कर देना है करंटली वर्किंग है यार, जो भी डाटा है। क्लिक टू सेव डिटेल्स, आपने ये डाटा सेव कर लेना है, और अगर आप कहें तो ये प्रीव्यू भी करेगा, लेकिन क्योंकि ये आपको कह रहेगा आपने डाटा दें तभी ये आपको प्रीव्यू करेगा। सही है, तो मैंने तो अभी कोई भी नहीं दिया डाटा इसी वजह से। सही है, फिर आपको सारा का सारा डाटा दिखाएगा, और फिर नीचे आप जाएंगे तो आपके ये ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म देगा, और फिर आपने सबमिट कर देना या अप्लाई कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।